हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे और कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन ओपन हो जाएंगे, इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन नहीं होने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक कर दें, सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिस पर जाकर वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि सिंपली सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से स्लाइड करते हुए सिस्टम सेटिंग्स पे चले जाना है, क्लिक करते ही सिस्टम सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए वाईफाई की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास रीसेट ऑप्शन से ओपन हो जाएगा, जहाँ से रीसेट वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना है। तो जब आप वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स पे जाते हैं, जिसके जरिए आप वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से रीसेट करते ही, पासवर्ड डालते ही जो भी वाईफाई नेटवर्क सेटिंग्स होगी आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होते ही वाईफाई की जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी आपके फ़ोन में। तो इस तरीके से वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके। आप चाहें तो यहाँ से ऑल सेटिंग्स को रीसेट करके भी वाईफाई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप पासवर्ड डाल देंगे और उस पर रीसेट कर देंगे, तो रीसेट करके भी वाईफाई की प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन पर सॉल्व हो जाएगी और वाईफाई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से भी वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना